नमस्कार, मैं हूँ एस के मालविया। आप देख रहे हैं S24। S24 में बहुत स्वागत है आप सभी का। नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। टैक्स व्यवहार का वर्तमान अध्यक्ष और अभी आज जो चुनाव में मुझे अपने सदस्यों से काफ़ी सहयोग मिला है और मैं उन सब का आभारी हूं कि मुझे एक दोबारा उन्होंने मौका दिया है संस्था की सेवा करने का और उन सब की भी सेवा करने का जो मैं पिछले 2 सालों से उसके पहले सचिव रहते हुए भी 6 सालों से करता रहा हूँ। मैं अपने सारे साथियों का, अपनी टीम का और मेरे जो साथ के साथी हैं संदीप चौहान जी हमारे जॉइंट सेक्रेटरी, अंकुर हमारे वाइस प्रेसिडेंट, धीरज हमारे तहसीलदार, मनोज भाई हमारे सेक्रेटरी सर, जितने सदस्य हैं आपकी जिम्मेदारी आपसे विश्वास जताए पिछले जी जी, इनकी क्या उम्मीदें हैं आपसे और कितनी उम्मीदों पे आप खड़े उतर चुके हैं, कितना बाकी है सर? जो हमारा पिछला चुनाव था उसमें जितने हमने वादे किए थे उसमें से एक वादा छोड़ के हमारे सारे वादे हमने पूरे किए हैं। उस बार भी हमारा वादा जो है कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट का, उसके लिए हम लगे हुए हैं। हम हर महीने में एक स्टडी सर्किल करते थे, हम 2 स्टडी सर्किल करने का हमारा प्लान है कि हर महीने 2 स्टडी सर्किल करेंगे, क्योंकि जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट ही सदस्यों की सबसे बड़ी डिमांड है आज की डेट में। और दूसरा एक उनको जो स्टाफ की कमी है उस स्टाफ की कमी को भी दूर करने का प्रयास करेंगे कि जो नए बच्चे आ रहे हैं कॉलेज से निकल के, बीकॉम वाले या टैली एकेडमी से, उनको हम कुछ ट्रेनिंग दिलवाएंगे जिससे कि जो स्टाफ की कमी है ऑफिसों में, चार्टर्ड अकाउंटेंट एडवोकेट्स साथियों के पास जो GST में जरूरी है वो उनको प्राप्त होंगे। सर जैसे आपने GST की बात कही है, कहने का सोचते अभी भी जो नए लोग हैं उन्हें समझ में आ रहा है कि क्या क्या कहाँ तक चल रहा है, तो सर उनको कैसे गाइड कर रहा है सर? देखिए ऐसा, GST तो भानुमति का पिटारा है कि इतने नोटिफिकेशन, इतने अमेंडमेंट, इतने सर्कुलर हो चुके हैं कि सरकार अगर जाए तो मैं समझ तो खुद भी नहीं समझ पाते अधिकारी हम लोग तो कहाँ हैं। फिर भी प्रयास करते हैं, जो हमारा पढ़ाई लिखाई का माहौल है इसीलिए रहता है कि हर महीने एक बार दो बार बैठ के जो नए बदलाव आते हैं, चेंजेस आते हैं, उनको हम पूरा करने का प्रयास करते हैं कि उनको पूरा करके अपने साथियों से ही ट्रेनिंग दिलवाएं या बाहर के विशेषज्ञों को बुला के ट्रेनिंग दिलवाएं कि वो उन बदलावों को समझ सके और उनको अपने क्लाइंटों को फायदा दिला सके जिससे कि क्लाइंट का नुकसान ना हो और उनको भी नुकसान ना हो। सर ये जो युवा नए जो आ रहे हैं क्षेत्र में, नए प्लान आ रहे हैं, उनको क्या संदेश देंगे आप? कौन से जो नए युवा? युवाओं के लिए कि कहा जाता है कि GST में कोई गुंजाइश नहीं है, मेरा समझता ऐसा कुछ नहीं है। GST में बहुत गुंजाइश है, काम करने में कोई भी काम करिए उसमें गुंजाइश है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। GST में ये कि आपको अपडेट रहना पड़ेगा, अपडेट रह के चीज़ों से अपडेट रह के समझ के ही तो ही आप क्लाइंट को दे पा सकते हो। आप चलो काम चलाओ तो नहीं चलेगा, क्योंकि आपने गलत सलाह दे दी सरकार, गलती के लिए GST में कोई जगह नहीं है। गलती है तो गलती है, आपको भुगतना पड़ेगी। तो आपको खुद को इतना मजबूत बनाना है कि गलती ना हो और क्लाइंट को भी नुकसान ना हो उसके, तो आपको अपडेट रहना, अपडेट रहने के लिए पढ़ाई लिखाई ज्ञान ये करना पड़ेगा। सेमिनार का आयोजन कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, तो उनको मेहनत करनी पड़ेगी। काम बहुत है, लिटिगेशन है, बहुत काम है, कोई दिक्कत नहीं। सर जिन्होंने आपको अपना मत दिया है कहीं ना कहीं कुछ आशाएं भी होगी सर उनकी आपसे? आशाएं देखिए सर, मैं आज से नहीं 20 साल से भोपाल टैक्स प्रैक्टिस और उसका टैक्स लवाद इन संस्थाओं से जुड़ा रहा हूँ और उस जुड़ाव का ही मुझे फायदा है कि मुझे साथियों को जो समर्थन उसी जुड़ाव से मिलता है, तो वो आशाएं करते हैं। मैं आशा को हमेशा पूरा करता हूँ, उसका ही फल है कि मुझे अच्छी सफलता पिछले चुनाव में मिली थी, 100 वोट से ज्यादा मैं जीता था, इस चुनाव में भी 100 वोट से ज्यादा जीता हूँ। तो इसका मैं समझता हूँ कि मेरा जो जुड़ाव अपने साथियों के साथ है, उनकी आशाओं को, उनकी इच्छाओं को मैं पूरा कर पाता हूँ, उनकी समस्याओं को दूर कर पाता हूँ, विभाग की और व्यक्तिगत और प्रोफेशनल, उसका ही मुझे कहीं ना कहीं फायदा मिलता है, ये मेरा। हम मिलेंगे कल फिर एक बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।